हेलो स्टूडेंट, इन द प्रीवियस क्लास बेटा प्रीवियस क्लास में हमने डिलीटिंग रो एंड कॉलम रीनेमिंग किया। अब आज की क्लास में मोर ऑन डाटा फ्रेम इंडेक्सिंग बुलियन इंडेक्सिंग। बेटा बुलियन इंडेक्सिंग क्या होती है? रेफर टू हैविंग बुलियन वैल्यू। बुलियन वैल्यू क्या है बेटा? हमारे ट्रू और फॉल्स, हमारे दो बुलियन वैल्यू होती है। ट्रू ट्रू मीन्स वन एंड फॉल्स मीन्स जीरो इंडेक्स। आप इस तरह से किसी भी डाटा फ्रेम में जो इंडेक्सिंग है ट्रू फॉल्स या वन जीरो डिफाइन कर सकते हैं। तो किस तरह से डाटा फ्रेम डिफाइन करना है, लेट अस स्टार्ट। एनाकोंडा, हेलो बेटे। बुलियन इंडेक्सिंग इज द एक नेम है जो सजेस्ट करता है आपको बुलियन वैल्यू ट्रू और फॉल्स, वन और जीरो। बेटा कई बार क्या होता है, आपको कुछ ऐसे सिचुएशन में वी मे नीड टू डिवाइड अवर डाटा इन टू सबसेट। आप कुछ सिचुएशन में डाटा फ्रेम को टू पार्ट्स में, टू सबसेट्स में डिवाइड करना चाहते हैं, ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जांपल, अब जैसे आजकल आपकी क्लासेस चल रही हैं, ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो कुछ दिन आपकी क्लासेस हो रही हैं और कुछ दिन नहीं हो रही। तो जहाँ पे बट सम द डे ऑफ द वीक आर डेजिनेटेड, आप कुछ डेज आपके क्लासेस हैं तो वहाँ ट्रू आ जाएगा, अदर जिस दिन क्लास नहीं है उस दिन क्या जाएगा, फॉल्स। तो इस सिचुएशन में आपका इंडेक्स नंबर ट्रू और फॉल्स की सिचुएशन में चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटे, मैंने एक डेज की लिस्ट बनाई, दूसरी मैंने क्लासेस की लिस्ट जनरेट की, फिर एक डिक्शनरी बना दी। डेज क्या हो जाएंगे, डेज नंबर ऑफ क्लासेस क्लासेस, और इस डिक्शनरी से मैंने एक डाटा फ्रेम डिफाइन कर दिया सीडी से। ये प्रिंट आउट, इसकी आउटपुट ये आ गई, क्लियर है। अब आपको इंडेक्स नंबर 0, 1, 2, 3, 4 की जगह क्या चाहिए, ट्रू एंड फॉल्स। तो किस तरह से आप बनाएंगे, आप क्या लिख देंगे, प्रिंट जब आपने लिखा इसके आगे क्या लिख देंगे, डॉट इंडेक्स, क्या आ जाएगा, इंडेक्स इक्वल टू स्क्वायर ब्रैकेट में आपने दे दिया ट्रू। आपने कितनी वो फिगर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो 5 वैल्यू आपको डालनी है, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू। और जब आपने सेव एंड रन किया नहीं, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू जब आपका डाटा फ्रेम बनेगा तब वहीं पे आएगी। ये क्या है, इसको यहाँ से आपने ये क्लोज किया, यहाँ से बेटा इसको कट कर दिया, सेलेक्ट करके कट, यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडेक्स प्रिंट कर दिया। अब आपकी इंडेक्स वैल्यू ट्रू फॉल्स आ गई। अगर आप चाहते हैं कि इंडेक्स वैल्यू ट्रू फॉर्म की फॉर्म में ना आके 1, 0 आए, तो यहां से 1, 0 भी डाल सकते हैं, 1, 0, 1, 0, 1, तो आपकी 5 वैल्यू हो तो 5 इंडेक्स बनेंगी आपकी। सेव एंड रन, आपके इंडेक्स वैल्यू 1, 0 की फॉर्म में आ गई। आप सेकंड इसमें फंक्शन क्या यूज करना है, एक्सेसिंग रो फ्रॉम डाटा फ्रेम। आप रो को फेच कर सकते हो बुलियन इंडेक्स नंबर से। वो कैसे करते हैं बेटा, हम एनाकोंडा में चलेंगे अपने, यहाँ पे आप क्या देंगे, प्रिंट आपका कौन सा है, CDF डॉट लोकेशन, आप लोकेशन जिसकी 1 है, सेव एंड रन, आपके पास 1 लोकेशन वाले आ गए। अगर आप चाहते हो 0 लोकेशन वाले सारे पॉइंट आउट करना, तो आपने डाटा फेच कर लिया बुलियन वैल्यू से, ट्रू और फॉल्स से या 1, 0 से, आपने कुछ डाटा को फेच कर लिया, अब 0 वाली वैल्यू आ गई। तो ये था एक्सेसिंग रो फ्रॉम डाटा फ्रेम्स विद बुलियन इंडेक्स। ओके।